सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम आपको एक काफ़ी हैवी मिल्कर बफलो कहेंगे, इसकी वीडियो दिखा रहे हैं और लाइव मिल्किंग करवा रहे हैं, क्योंकि बोलने को तो काफ़ी दूध है, वो वीडियो में कोई भी थंबनेल लगा देता है 20 किलो 25 किलो का। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताएं, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी भाई आज चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कौन से बैंक में भाई साहब ये? सेकंड। गांव कौन सा है? बसी। और जिला? महेंद्रगढ़ में। तहसील कौन सी लगती है? तो काफ़ी शानदार हम कहेंगे, जहाँ तक हमने देखा ये टेल से थोड़ी वाइटनेस ज़्यादा है, लेकिन जो ब्रीडिंग के लिए जो एनिमल लेना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि सुपर से भी ऊपर सिलेक्शन रहेगा। इतने ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन वाले एनिमल बहुत कम हैं। भाई अपना शुभ नाम क्या है? तुलाराम। तो मैं वीडियो में लास्ट में भाई का नंबर भी दूंगा, जो भी बायर लेना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। काफ़ी लंबे समय से चैनल के ऊपर लाइव मिल्किंग अपने ही फार्म से की थी, इसके बाद कहीं नहीं दिखाई है। तो आज हम एक काफ़ी शानदार, कोई दिक्कत को नहीं आ जाओ, वीडियो से ही आते बिल्कुल सॉफ्ट जो आई है। दूसरा जो अदर स्टेट बायर हैं, तकरीबन हर जगह चुवाई है महिलाएं ज़्यादा करती हैं, तो इसलिए शांत स्वभाव एनिमल का बहुत ज़रूरी है। करो आदमी करो महिला करो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, साथ में कटड़ा भाई साहब, साथ में मेल काफ है। अभी एग्जिट ब्यांत कौन सा है? सेकंड बता रहे। सेकंड? फर्स्ट में कितना निकाला था? फर्स्ट में निकाला है इसने 21 लीटर कंप्लीट। 21 लीटर दो जना लगा दो अगर जल्दी लेकर जाओ। वैसे हर टाइम सेल के लिए एनिमल भाई के पास रहते हैं, और कम से कम प्राइस से लेके और काफ़ी मैं कहूँगा अच्छे रिजनेबल प्राइस में एनिमल आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। कम से कम क्या रेंज है भाई साहब यहाँ से जो भैंस है आपके पास? 60,000 वाले। कितना दूध निकालती है? 12 लीटर दूध। अलग दिखा दी। कर लो। 4.5 लीटर की गाड़ी इसकी। आराम से नाप नूप मंगवा ले, एक बार नाप और लेंगे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो।
दादी ये मरवा दे लो तो। ज्यादा दूध में अगर आदमी चुवाई करनी हो तो और बढ़िया रहे। अरे मारे चुवाई करना आलो तो खा लो, चुवाई करने में मिल जाएगी तो दूध में 1 किलो बत्ती दे भाई। जितना तेजी से लेकड़ा हो उतना ज्यादा नहीं खा। बिहारी लाए तो बोले भैया इतना दूध हमसे नहीं निकलता, तो सब मैं नीचे बैठा दियो। बहुत हो जाए भाई, 20 लीटर के ऊपर दूध जा है जा, बहुत हो जाए। अच्छा के लिए है काढ़नी हो थोड़ा तेजी थी खाली कर लियो, लंबी हो जाए वीडियो ज्यादा ना फिर सीधी अपलोड करनी पड़ेगी। ज्यादा दूध की भैंस को एक तो मजा हो, जितना ज्यादा दूध हो उतनी शांत पाओगे। दूध का बड़ो जहन फिर ये जी देख ले किसी शांत की उम्मीद है ना रे, कति शांत खड़ी शांत होनो पड़ाने की मजबूरी हो जाए। अपन इसी तरह फिर इस पे मतलब एंड बैंड डाइट भी ना दी जाना चाहता क्योंकि बहुत घणो हो जाए पशु आज भी जो रियल में दूध है ना 2 महीना ताई बढ़ा है कैपेसिटी भी हो जाए फिर 2 महीना ये सर्दी में दूध बढ़ा हो गया एक भैंस खान पीन का जल्दी डाइजेशन हो जाए। अरे खाते खींच तो रहे बच्चा ने भी छुटवा दियो, मुको बच्चा ने भी छुटवा दियो कहते दिखाने का चक्कर में सारो काट लियो। Yeah.
तो इस मुर्रा की कैटेगरी से थोड़ी बाहर कहेंगे, लेकिन काफ़ी हैवी मिलकर बफलो की मिल्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसको आपको नाप के दिखाया जाएगा। थोड़ा ज़्यादा दूध वाली भैंस की मेन परेशानी यही होती है, अगर कोई आदमी इसकी मिल्किंग करता तो जितनी फास्ट मिल्किंग होगी एनिमल उतना पूरा दूध उतारने में सक्षम हो पाता है। नाप लो कोई दिक्कत कौन, और दिक्कत होगी तो माननी तो भाई सारी चीज़ दिखाएं पाचे मान लिया कोई दिक्कत को नाप तू जिस ने लेनी होगी ना वो अपने दो टाइम आगे नाप लेगा, तीन टाइम पे पेमेंट भरे कौन सा। क्योंकि हम हर एक आम पशुपालक और व्यापारी के वर्ग में और ब्रीडर भाई की वीडियो बनाने का एक मेन मकसद यही है कि साफ सुथरी छवि से जो काम कर रहा है वो अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाता रहे, क्योंकि इसी मुहिम के अंदर देखा जाए तो वीडियोस के माध्यम से हम आपको जो एनिमल दिखाते रहते हैं। नाप दो नाप दो कोई दिक्कत को नाप कोई दिक्कत को नापो 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 कोई दिक्कत कौन। एक लीटर दो लीटर तीन लीटर चार लीटर पांच लीटर छः लीटर सात लीटर आठ लीटर नौ लीटर दस लीटर साढ़े ग्यारह और कुछ बचेगा, साढ़े दस लीटर था ना भाई, साढ़े दस और कुछ का आपका मतलब ये कंप्लीट अगर दूध माना जाता कितना दूध है इस भैंस में। ये भैंस में 22 लीटर तैयार 22 लीटर दूध। तो कोई भी पशुपालक भाई लेना चाहता है मैं वीडियो में भाई का नंबर और कंप्लीट एड्रेस लगा दूंगा। लास्ट में सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार सत श्री अकाल सलाम राम।